प्रवेश परीक्षा और परिणाम में विश्वविद्यालय के निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए हिंदू युवा छात्र मंच ने यूनिवर्सिटी का घेराव किया और प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। दुर्ग हेमचंद यूनिवर्सिटी में बुधवार को हिंदू युवा छात्र मंच के बैनर तले खराब परीक्षा परिणाम को लेकर 10 से ज्यादा अधिक महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र छात्राओं ने हंगामा कर अपना विरोध जताया, साथ ही यूनिवर्सिटी के खिलाफ जमकर नारेबाजियां की। छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का सांकेतिक अर्थी निकाल पुतला भी यहां पर दहन किया गया। हिंदू युवा मंच के जो छात्र थे उनकी कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर उनको ज्ञापन सौंपना था, इसके लिए वे यहाँ पे आए थे। शांतिपूर्ण उन्होंने ज्ञापन दिया और वापस चले गए। अलग अलग मांगे थे उनकी, मांगे 5 बिंदु में थी। परीक्षा का संबंधित था, उनकी पंच परीक्षा का संबंधित थी, प्रवेश को लेकर समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं को उन्होंने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के सामने रख दिया है और उस पर आगे बात की जाएगी। आप लोग की क्या तैयारी की? हमने यहाँ पे क्योंकि छात्र थे और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले थे, तो यहाँ पे बल लगाया था कि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो, और उसके देखते हुए यहाँ पे बल की व्यवस्था की। विश्वविद्यालय के अंतर्गत छात्र संघ यहाँ ज्ञापन देने, यूनिवर्सिटी के निमित्त के संबंध में ज्ञापन देने आया था। मेरे द्वारा ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन को कलेक्टर महोदय एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन तक पहुँचाया जाएगा एवं उनकी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए सही समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, तीन मुद्दे को लेकर आए थे दुर्ग विश्वविद्यालय में, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, क्योंकि छात्रों की शिक्षा का सबसे पहला मुद्दा यही तीनों होता है और तीनों में दुर्ग विश्वविद्यालय ने जबरदस्त तरीके से धांधली करके रखी है। सरकारी कॉलेज में छोटे मोटे उनके दलाल घूम रहे हैं जो 5,000 रुपए 10,000 रुपए लेके छात्रों को एडमिशन करा दे रहे हैं। दूसरा परिणाम ऐसा देते कि विल्थेंड में आज आपका एडमिशन है और चलते सप्ती के एग्जाम का डेट 4 दिन पहले निकल गया। ऐसा कौन सी यूनिवर्सिटी में? हमने तो आज तहसीलदार के सामने यही सीधा मांग की है कि इस विश्वविद्यालय को या तो बंद कर दिया जाए या तो हम लोग यहाँ के पूरे अधिकारियों को तबादला करके नए अधिकारी को लाया जाए जो उस पे भविष्य में यहाँ पर अच्छी सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था को लागू कर सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।